ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, ना ही मैं जियो ना ही एयरटेल, मैं किसी भी कंपनी की तरफ नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक कंज्यूमर की तरफ से हूँ। तो इस वीडियो में मैं जियो फाइबर वर्सेस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बीच में जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो हर एक पॉइंट एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों कनेक्शन का जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितना भी हिडन चार्जेस से, पिंग से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड या फिर पैकेज प्राइस से रिलेटेड जितना भी क्वेरीज है सब कुछ इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हिच विल प्रोवाइड मोर वैल्यू फॉर मनी फॉर यू, ये सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को अगर आप बिना स्किप के ध्यान से लास्ट तक देखते तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलने वाला है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कुशल और आपको रिचेक्ट टेक चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बीच का जो बेसिक मेन डिफरेंस है। तो जियो फाइबर जो है वो मोस्ट पॉपुलरली प्रीपेड वाला प्लान पे काम करते हैं एंड एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर मोस्ट पॉपुलरली पोस्टपेड वाला प्लान पे काम करते हैं। हालांकि जियो ने अभी मार्केट में रिसेंटली उनका पोस्टपेड वाला प्लान भी लॉन्च किया है, लेकिन अगर उनका प्रीपेड वाला प्लान के बारे में बात किया जाए तो इसके जो प्रीपेड प्लान है वो बेसिकली रिचार्ज एंड यूज वाला सिस्टम है। मतलब कि आप जितना टाइम के लिए रिचार्ज करोगे उतने टाइम के लिए आप उसे यूज कर पाओगे। हालांकि यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिल रहा है कि सपोज आप बीच में कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए इस कनेक्शन को यूज नहीं कर रहे हो तो आप चाहे तो रिचार्ज नहीं करा रहे हो तो वो भी चलेगा। मतलब यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन पोस्टपेड वाला ऑप्शन में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोस्टपेड जो है वो बेसिकली बिलिंग वाला सिस्टम पे काम करता है। जैसे कि एयरटेल जितना भी नए नए शहरों में उनका फाइबर कनेक्शन दिया है वहाँ पे वो उनका जो एडवांस रेंटल वाला जो सिस्टम है वो इंप्लीमेंट किया है। मतलब कि यहाँ पे आपको जब भी एयरटेल का नया कनेक्शन लोगे तब आपको मिनिमम 3 मंथ्स के लिए रिचार्ज करवाना है, फिर आप 6 मंथ्स या फिर 1 साल के लिए भी रिचार्ज करवा सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 मंथ्स के लिए रिचार्ज करवानी है। एंड सपोज इससे होगा कि सपोज आप कनेक्शन लियो 3 मंथ के रिचार्ज करवा चुको, फिर जब ये 3 मंथ खत्म हो जाएगा फिर आपको 4th मंथ से फिर से नेक्स्ट 3 मंथ के लिए जो रिचार्ज है वो करवाना है। ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा कि आप 4th मंथ से चाहते हो कि मंथली बिलिंग वाला सिस्टम पे आ जाए, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और इससे होगा कि सपोज आप बीच में किसी भी दिन सपोज इंटरनेट यूज नहीं किए हो या फिर इंटरनेट यूज करने के लिए अवेलेबल नहीं हो, आउट ऑफ स्टेशन चले गए हो, तो यहाँ पे आपको लेकिन उस सारे डेज का जो भी बिलिंग है जो भी रिचार्ज है वो आपके बिलिंग सिस्टम पे काउंट होकर आएगा एंड उसे आपको पे भी करना होगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम है एयरटेल में जो एडवांस रेंटल सिस्टम है उसमें। और इसका पोस्टपेड वाला कनेक्शन में किया है, जितना भी ओल्ड सिटीज में जितना पोस्टपेड कनेक्शन था तो वहाँ पे वो मंथली बिलिंग वाला सिस्टम पे काम करता था। तो ये ओल्ड सिटीज के लिए, जितने भी नए नए शहर है वहाँ पे आप अभी एडवांस रेंटल सिस्टम लेके आ गया है। और इसके बाद जो जियो का जो कनेक्शन है, जो जियो का जो पोस्टपेड कनेक्शन है वो मिनिमम 6 मंथ के जो रिचार्ज है वो लेके आया है। मतलब कनेक्शन लेते वक्त आपको एट अ टाइम 6 मंथ के लिए रिचार्ज करवानी है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिल रहा है कि आप 7th मंथ से आप यहाँ पे मंथली बिलिंग वाला सिस्टम पे भी आ सकते हो। तो ऐसा कुछ डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों का इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। तो अगर आप जियो फाइबर के कनेक्शन लेते हो तो ये बेसिकली 2 प्लान के साथ आते हैं, एक तो उनका 1500 वाला प्लान, दूसरा उनका 2500 वाला प्लान। तो इनका जो 1500 वाला जो प्लान है यहाँ पे आपको एक तो डुअल बैंड का राउटर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी 4K सेटअप बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ 2500 वाला प्लान पे आपको डुअल बैंड का राउटर विद 4K सेटअप बॉक्स मिल रहा है। और इन दोनों ही केसेस में आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल दिया जाएगा, जहाँ पे कि आपको 150 Mbps स्पीड अवेलेबल मिल जाएगा। तो यह पे होगा कि अगर आप विद इन 30 डेज इस चीज़ को रिटर्न कर देते हो तो आपके पास पूरे पैसे, जी हाँ पूरे पैसे आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आफ्टर 30 डेज इसे रिफंड करते हो तो आपको पूरे पैसे नहीं बल्कि यहाँ पे 1000 रुपीज जो इंस्टॉलेशन चार्ज है उसके नाम से डिडक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप 1500 वाला प्लान ले चुको तो आपको 1000 रुपीज डिडक्ट करके आपको 500 रुपये रिफंड किया जाएगा, और अगर आप 2500 वाला प्लान ले चुको तो 1000 रुपये घटा के आपको 1500 रुपये रिफंड किया जगह अगर आप इनकेस आफ्टर 30 डेज से रिटर्न कर देते हो तो। और दूसरी तरफ एयरटेल भी बहुत सारे नए नए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आते, तो आप ये थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। तो सपोज आप एयरटेल का कोई भी नया कनेक्शन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्ज देना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप एटलीस्ट 3 मंथ 6 मंथ या फिर 1 साल के रिचार्ज प्लान के साथ कोई भी नया कनेक्शन ले रहे हो तो हो सकता है कि यहाँ पे आपसे कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज ना लिया जाए। लेकिन ये वेरी करता है दोस्तों, कुछ कुछ सीरीज में आपसे इंस्टॉलेशन चार्ज लिया जा रहा है और कुछ कुछ सीरीज से ऐसा हो रहा है कि कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो ये थोड़ा वेरी करता है, आप आपके सिटीज के हिसाब से ये थोड़ा चेक कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके घर जो नियरेस्ट पोल है उससे अगर 100 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो ये पर मीटर के हिसाब से आपको 8 से 9 रुपये वायरिंग चार्ज देना होगा। तो ये थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। और यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं है, मतलब कि अगर आप कनेक्शन कटआउट कर रहे हो तो आपको कोई भी पैसा डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। और कंपनी का यह भी पूरा राइट है कि आप कनेक्शन कटआउट करने के बाद जो भी डिवाइस है वो आपसे वापस ले लिया जाए। और अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हो कि ये जो 1000 रुपये आप पे कर रहे हो उसके अंदर आपको 4K सेटअप बॉक्स मिलेगा या फिर नहीं, तो नहीं भाई, 4K सेटअप बॉक्स के लिए आपको अलग से 1500 रुपये पे करना होगा, जिसके अंदर आप लाइट भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन क्या क्या पैक होगा, क्या क्या OTT सब्सक्रिप्शन रहेगा या फिर नहीं, ये सारी चीज़ आपको आगे पता चल।
चलेगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं इन दोनों ऑपरेटर्स का डेटा कैपिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रूली अनलिमिटेड पैक नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डेटा कैपिंग वैल्यू के साथ आते हैं। जहाँ पे जियो का जो बेस प्लान है उसके अंदर आपको मंथली 3300 GB डेटा कैपिंग वैल्यू और एयरटेल पे आपको मंथली 3033 GB डेटा कैपिंग वैल्यू के साथ आते हैं, मतलब एयरटेल पे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, ये जो वैल्यू है ये क्या मतलब सफिशिएंट है? तो जी हाँ बिल्कुल बहुत सफिशिएंट है। आप 3 TB एक महीने के लिए बहुत होता है भाई, आप 2 TB और इंटरनेट को यूज़ करने के बाद भी मतलब ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे अगर आप बेस प्लान के अंदर थोड़ा सा अच्छा कनेक्शन चाहते हो, थोड़ा सा हाई स्पीड वाला इंटरनेट चाहते हो, तो आप यहाँ पे एयरटेल को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन दोनों ऑपरेटर्स का जो प्लान है इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जियो का जो प्लान है ये 399 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और एयरटेल का जो प्लान है ये 499 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों प्लान में जो डिफरेंस है थोड़ा स्पीड का डिफरेंस है, जहां पे कि जियो पे आपको 30 MBPS मिल रहा है लेकिन एयरटेल पे आपको 40 MBPS का स्पीड देखने को मिल जाएगा। और यहां पे जाके अगर OTT कंटेंट का बात करें तो यहां पे आपको जियो पे कोई भी OTT कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एयरटेल पे आपको एयरटेल एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाएगा, जहां पे आप कुछ OTT कंटेंट देख सकते हो। इसके बाद इसका जो प्लान है ये 699 रुपीज़ जियो का और एयरटेल का 799 रुपीज़ वाला प्लान है। तो यहां पे दोनों का जो स्पीड है वो सेम है, 100 MBPS ईच केस में आते हैं स्पीड, लेकिन यहां पे जियो पे भी आपको कोई भी OTT कंटेंट नहीं मिलेगा लेकिन एयरटेल पे आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का सपोर्ट मिलेगा जस्ट लाइक प्रीवियस वन। तो बेसिकली ये जो दो प्लान है ये बेसिकली इंटरनेट यूजर्स को टारगेट करके दिया जा रहा है। आप इसके ऊपर जितना भी प्लान है वहां पे आपको OTT कंटेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लाइक अगर आप जियो और एयरटेल पे 999 रुपीज़ वाला जो प्लान है वो अगर रिचार्ज करते हो तो यहाँ पे जियो पे आपको 150 MBPS का स्पीड मिलने के साथ साथ आपको 14 OTT कंटेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एयरटेल पे आपको 200 MBPS का स्पीड मिलने के साथ साथ आपको एयरटेल एक्सट्रीम ऐप और प्राइम वीडियो एंड डिजिटल प्लस हॉटस्टार का भी सपोर्ट मिलता है। और ऐसे जैसे जैसे ऊपर चलते रहोगे लाइक 1499 रुपीज़ पे आपको जियो पे 300 MBPS का स्पीड मिल रहा है, उसके साथ साथ नेटफ्लिक्स का भी सपोर्ट मिल रहा है लेकिन ये नेटफ्लिक्स का बेसिक वाला सब्सक्रिप्शन है। और इसके बाद और भी ऊपर जाओगे 2499 रुपीज़ पे आपको जियो पे 500 MBPS का स्पीड मिल रहा है और उसके साथ आपको नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड वाला सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन अरेज होता है कि ये जो सारा प्लान है इसमें GST इंक्लूडेड है या फिर नहीं? तो नहीं भाई, GST इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे आपको अलग से और भी GST इंक्लूड करना होगा, मतलब 399 रुपीज़ के साथ आपको 18% GST इंक्लूड करना होगा, ऐसे सभी प्लान्स पे है। तो इतना सारा प्लान्स तो यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन इनमें से क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो यार, अगर आप बोलते हो कि अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी लेते हो 1499 या फिर 2499 रुपीज़ में तो वो क्या अच्छा रहेगा या फिर नहीं? तो देखो यार, मेरे अगर मानो तो अगर आपको अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड चाहिए तो आप 699 या फिर 999 वाला जो प्लान है उसको ऑप्ट कर सकते हो। एंड उसके लिए अगर आपको नेटफ्लिक्स भी देखना है तो वहाँ पे आप अलग से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप 1499 रुपीज़ वाला जो प्लान है वो अगर लेते हो तो वहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का बेसिक वाला सब्सक्रिप्शन ही मिलते हैं, जहाँ पे आपको ओनली 480p का जो पिक्चर क्वालिटी है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बड़े टीवी में अगर आप देख रहे हो तो कोई भी मजा नहीं आने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर आप 999 वाला प्लान को चूज करते हो उसमें अलग से अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो ज्यादा सेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा है एयरटेल के किस में जनरली जो स्पीड है वो आपको ज्यादा मिल रहा है और वाकई में यहाँ पे जो स्पीड है वो आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा, इवन जो स्पीड मेंशन है उससे भी ज्यादा स्पीड आपको मिल सकता है। जी हाँ, उससे भी ज्यादा स्पीड आपको मिल सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्वालिटी और स्पीड के मामले में एयरटेल यहाँ पे थोड़ा बहुत बाजी मार रहा है, लेकिन जी हाँ वही बात, यहाँ पे आपको प्राइस भी ज्यादा चुकानी पड़ रही है। तो इतना सारा चीज आपको जब भी पैकेज सिलेक्ट करते हो तो इतना सारा चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपको और कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इज देयर एनी डेटा बेनिफिट ऑन लॉन्ग टर्म रिचार्ज और नॉट? तो देखो यार, बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो कि लॉन्ग टर्म रिचार्ज करवा के उसका जो डेटा बेनिफिट है वो लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो जियो है, अगर आप जियो का 6 मंथ का रिचार्ज एक साथ करवाते हो तो आपको यहाँ पे 15 डेज का जो एक्स्ट्रा डेटा बेनिफिट मिल जाएगा। और यहीं पे अगर आप 1 साल का जो रिचार्ज वो अगर एक साथ में करवाते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 30 डेज का जो डेटा बेनिफिट है वो मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर एयरटेल की बात किया जाए तो एयरटेल का अगर आप 3 महीने का रिचार्ज एक साथ करवाते हो तो यहाँ पे हो सकता है जो इंस्टॉलेशन चार्ज है 1000 रुपीज़ का वो आपका वेव अप हो जाए। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द सीरीज में तो ये वेव अप हो जाता है लेकिन बहुत सारे सीरीज में ऐसा है नहीं भी है, तो आपके सीरीज वाइज चेक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एयरटेल का अगर आप 6 मंथ का रिचार्ज एक साथ करवाते हो तो यहाँ पे आपको 7.5% डिस्काउंट मिल जाते हैं। और यही पे अगर आप 1 साल का रिचार्ज एक बार में करवाते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। अगर आप इसे जियो से कंपेयर करो डेज के हिसाब से तो जियो पे आपको 30 डेज मिल रहा था, और अगर आप यहाँ पे प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके देख सकते हो तो यहाँ पे आपको 45 डेज का एक्स्ट्रा डेटा बेनिफिट मिल जा रहा है जियो के कंपटीशन पे। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रू अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही कंपनी आपको फ्री वॉइस कॉलिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसका सिंपल से मतलब ये कि आपको जो राउटर दिया जा रहा है उस राउटर के पीछे आपको एक लैंडलाइन का जो कनेक्शन है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक लैंडलाइन का कनेक्शन मिल जा रहा है, तो आपको अब करना क्या है कि आपको अलग से एक लैंडलाइन खरीदना है,
फिर आप उस लैंडलाइन को राउटर के साथ प्लग इन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस नंबर के जरिए आप ऑल ओवर इंडिया किसी के साथ भी फ्री HD कॉलिंग एंजॉय कर सकते हो। और जियो के केस में इस फ्री वॉइस कॉलिंग का और एक मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जियो 4G वॉइस ऐप भी मिल रहे हैं, जिसके जरिए आप केवल लैंडलाइन ही नहीं बल्कि आप मल्टीपल स्मार्टफोन को भी कनेक्ट कर सकते हो और आप ऑल ओवर इंडिया किसी से भी बात कर सकते हो, फ्री HD कॉलिंग को एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि किसमें आपको ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगा, यानी पिंग किसका ज्यादा है, अपलोड स्पीड किसका ज्यादा है, डाउनलोड स्पीड किसका ज्यादा है। तो देखो यार, यहाँ पे जो अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड है दोनों ही सेम कर दिया गया है, यानी फॉर सपोज अगर आप 40 MBPS या 100 MBPS का कोई भी पैक लेते हो तो वहाँ पे आपको सेम डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड दोनों ही सेम देखने को मिलेगा। और दोनों ही कनेक्शन को यूज करने के बाद और काफी सारे लोगों का रिव्यूज देखने के बाद मुझे ये चीज तो क्लियर हो गया कि एक्चुअली जो एयरटेल का कनेक्शन है उसमें आपको जो स्पीड है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। फॉर सपोज आप 40 MBPS का पैक लियो एयरटेल का, तो वहाँ पे आपको जो स्पीड है वो तो एक्यूरेट मिलेगी, 40 MBPS तो मिलेगी, इवन उससे 1-2 MBPS ज्यादा भी मिल सकते हैं अभी के हिसाब से। और दूसरी तरफ अगर जियो का कोई भी पैक लेते हो, फॉर सपोज 30 MBPS का पैक लियो, मतलब 30 MBPS अगर मेंशन है, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि 20-25 MBPS, ऑलमोस्ट 20-25 MBPS तक स्पीड देखने को मिल सकता है। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, इतना सब कुछ देखने के बाद आपको कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए। तो देखो भाई, अगर आप एक ऐसा यूजर हो जहाँ पे आपको इंटरनेट का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आप अच्छा खासा क्वालिटी वाला ब्राउजिंग एक्सपीरियंस चाहते हो, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग चाहते हो, आप चाहते हो कि हाई एंड वाला जो ऑनलाइन गेमिंग है वो अच्छे से खेल पाओ, तो आप एयरटेल की तरफ जा सकते हो जहाँ पे आपको जो क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको जो पैसा है वो ज्यादा पे करना भी होगा, तो अगर आप रेडी हो ज्यादा पैसा पे करने के लिए तो आप एयरटेल की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक बजट फ्रेंडली कनेक्शन लेना चाहते हो जहाँ पे कि आपको जो डेली बेसिस का जो काम है वो चल जाए, तो आप जियो की तरफ जा सकते हो। लेकिन हाँ, कनेक्शन लेने से पहले आप आपके लोकल एरिया में जियो का कनेक्शन है या फिर एयरटेल का कनेक्शन है ये जरूर एक बार चेक कर लेना। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको भी इन दोनों कनेक्शन को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो वो मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछे। और आप इन दोनों कनेक्शन में कौन सा कनेक्शन लेना प्रेफर करोगे, आपके लोकलिटी में कौन सा कनेक्शन ज्यादा है, वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। एंड आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाला ऑप्शन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए नया नया टेक्नोलॉजी का वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।